हेलो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास सेवन लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज फाइव पॉइंट वन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसको कहते हैं कोई दो एंगल का एडिशन अगर नाइन्टी डिग्री होता है उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर एन एग्ज़ाम्पल एक हो गया सिक्सटी डिग्री और एक हो गया थर्टी डिग्री सिक्सटी प्लस थर्टी होता है नाइन्टी डिग्री तो 90 डिग्री होने से दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर हो गया एक एंगल 50 डिग्री और एक एंगल हो गया 40 डिग्री 50 प्लस फोर्टी दैट इज़ 90 डिग्री इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग अगर इसको ड्रा करते हैं सपोज़ ये एक 90 डिग्री है इसमें ये एक सपोज़ 50 डिग्री है और ये 40 डिग्री है 50 प्लस फोटी नाइन्टी डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसके बाद है सप्लीमेंट्री एंगल कोई भी दो एंगल का एडिशन कोई भी दो एंगल का एडिशन अगर वन एट्टी डिग्री होता है तो उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल फॉर एग्जाम्पल वन फिफ्टी डिग्री प्लस थर्टी डिग्री इक्वल टू वन एट्टी डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल वन डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू वन डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल नेक्स्ट एडजेशन एंगल एडजेशन एंगल इस बुक से आप लोग देख पाते हैं कि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और बगल में और एक एंगल बन रहा है दैट मीन्स ये जो साइज है ये जो एरिया है वो दोनों के लिए कॉमन है इस साइड के लिए ये साइड कॉमन है इस साइड के लिए भी ये साइड कॉमन है दैट मीन्स एक साइड जो है वो एडजेशन है तो इसको हम लोग डायग्रामेटिकली ऐसे देख सकते हैं ये एक एंगल है और ये एक एंगल है और ये भी एक एंगल है दोनों एंगल एक और एक के साथ लगा हुआ है एक ही बाउंड्री या फिर एक ही लाइन शेयर करता है इसी को कहते हैं एडजेशन एंगल सिम इस डायग्राम से हम लोग अगर देखते हैं ये एक एंगल हो गया इसके एडजेशन में ये एक एंगल हो गया इसके एडजेशन में ये एक एंगल हो गया इसके एडजेशन में ये एक एंगल हो गया। एक, दो तीन चार चारों एंगल एक के एडजेशन में है तो ये हो गया एडजेशन एंगल का एग्जाम्पल इसके बाद है लिनियर पेयर लिनियर पेयर का मतलब है कोई भी दो एंगल जिसको ऐड करने से होता है 180 डिग्री या फिर एक स्ट्रेट लाइन होता है एन एग्जाम्पल यहां पे आप लोग देख सकते हैं ये एंगल वन कुछ भी एक एंगल है ये है और ये रिमेनिंग एंगल है 60 degree. तो 120 60 होता है है और ये एक straight line बन रहा है. इसी को कहते हैं लीनियर पेयर अब इस डायग्राम पे आप लोग देख सकते हैं ये दोनों एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है तो ये नहीं होगा लिनियर पेयर सो फिगर वन होगा लिनियर पेयर एंड फिगर टू नॉट ए लीनियर पेयर ये एक स्ट्रेट लाइन है अब ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके हो रहा है एंगल थ्री एंड एंगल फोर दोनों लीनियर पेयर है अभी हम लोग एक्सरसाइज फाइव पॉइंट वन सोल्व करेंगे एक्सरसाइज फाइव पॉइंट वन में क्वेश्चन नंबर वन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल फर्स्ट है ट्वेंटी डिग्री तो नंबर वन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ट्वेंटी डिग्री इसको सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लीमेंट हम लोगों को पता था नाइन्टी दोनों एंगल का एडिशन नाइन्टी होना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे नाइन्टी से ट्वेंटी को सब कर देंगे 90 से अगर 20 को सब करते हैं हम लोगों को मिलेगा 70 डिग्री नंबर वन फिनिश सेम टू सेम नंबर टू हम लोग अगर फॉलो करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री ये भी होगा 90 माइनस 63 90 माइनस 63 27 डिग्री एंड थर्ड वाला सेम कॉम्प्लीमेंट ऑफ फिफ्टी सेवन डिग्री दैट मीनस नाइन्टी माइनस फिफ्टी सेवन इक्वल टू थर्टी थ्री डिग्री क्वेश्चन नंबर वन फिनिश अभी क्वेश्चन नंबर टू अभी फाइंड दि सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल सप्लीमेंट हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी दो एंगल का एडिशन अगर वन एट्टी होता है तो उसी को कहते हैं सप्लीमेंट्री तो यहां पे एक एंगल है वन हंड्रेड फाइव तो नंबर वन सप्लीमेंट ऑफ वन हंड्रेड फाइव होगा वन हंड्रेड एंड एट्टी माइनस वन हंड्रेड एंड फाइव इसको सब करने से होगा सेवेंटी फाइव डिग्री सेम टू सेम हम लोग नंबर टू करेंगे सप्लीमेंट ऑफ एट्टी सेवन डिग्री वन हंड्रेड एंड एट्टी माइनस एट्टी सेवन डिग्री ये हो जाएगा नाइन्टी थ्री डिग्री सेम टू सेम हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सप्लीमेंट ऑफ वन हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर डिग्री वन एट्टी माइनस वन फिफ्टी फोर डिग्री होता है ट्वेंटी सिक्स डिग्री आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा Now question number three. Identify which of the following pair of angles are complementary, which are supplementary. That means दोनों को add करना पड़ेगा. Add करने के बाद अगर 90 आता है complementary and 180 आता है तो supplementary. तो so, number one 65 plus 115 होता है 180. That means ये सप्लीमेंट्री नंबर टू सिक्सटी थ्री प्लस ट्वेंटी सेवन होता है नाइन्टी कॉम्प्लीमेंट्री नंबर थ्री वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व प्लस सिक्सटी एट दैट इज वन एट्टी सप्लीमेंट्री नंबर फोर वन हंड्रेड एंड थर्टी प्लस फिफ्टी डिग्री सप्लीमेंट्री नंबर फाइव फोर्टी फाइव प्लस फोर्टी फाइव नाइन्टी सप्लीमेंट्री नंबर सिक्स एट्टी प्लस टेन डेट इज नाइन्टी सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट्री है और ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर फाइन द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट एक एंगल फाइन करना है जिसका कॉम्प्लीमेंट और वो एंगल दोनों ही सेम हो तो लेट द एंगल बी एक्स लेट द एंगल बी एक्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल इज ऑल्सो एक्स दिस एंगल इज ऑल्सो एक्स ठीक है नाव हम लोग को पता है दोनों एंगल का एडिशन होता है नाइन्टी डिग्री वी नो दैट some of the measures of a complement complementary angle pair is डिग्री तो होगा x प्लस एक्स इक्वल टू नाइंटी एक्स प्लस एक्स होगा टू आइस एक्स इक्वल टू नाइन्टी एक्स इक्वल टू टू इंटू है टू एक्स मतलब टू इंटू एक्स टू उधर चला जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड नाइन्टी बाई टू दैट इज 45 फाइव तो वो एंगल होगा फोर्टी फाइव दर फॉर द एंगल इज एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट के जैसा लेट द एंगल बी एक्स लेट द एंगल बी एक्स एंड वी नो लिखे सम ऑफ टू एंगल इज वन एट्टी डिग्री दे आर फॉर एक्स प्लस एक्स इक्वल टू वन एट्टी डिग्री एक्स प्लस एक्स टू आई सेक्स इक्वल टू वन एट्टी डिग्री एंड एक्स टू उधर चला जाएगा तो डिवाइडी बाई टू दिस इज नाइंटी एक्स दे आर फॉर द एंगल विच इज इक्वल टू इट सप्लीमेंट इज नाइंटी डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स इन द फिगर एंगल वन एंड एंगल टू आर सप्लीमेंटरी एंगल मतलब ये एंगल दोनों को ऐड करने से 180 डिग्री होता है इफ़ एंगल वन इज डिक्रीज एंगल वन को कम कर दिया जाए ये इस तरफ से ऐसे कम कर दिया जाए वट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल टू तो एंगल वन को अगर डिक्रीज कर दिया जाए तो एंगल टू को इंक्रीज करना पड़ेगा ये अगर डिक्रीज हो जाए तो ये इंक्रीज़ होगा दैट बोध द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री सो इसका आंसर होगा इफ एंगल इफ वी डिक्रीज एंगल वन दैन वी नीड टू इंक्रीज एंगल टू सो दैट द टू एंगल विल रिमेन सप्लीमेंट्री सो इसको लिखेंगे इफ एंगल वन इज रिड्यूस्ड Then angle two should be increased by the same measure so that this angle. pair remains supplementary next question number 7 can two angle be supplementary can two angle be supplementary if both of them are acute फॉर एन एग्जाम्पल एक्यूट मतलब नाइन्टी से छोटा सपोज आई हैव एट्टी डिग्री एंड वन मोर एंगल इज एट्टी डिग्री दोनों ही एक्यूट एंगल है सो so, दोनों को ऐड करने से कितना होता है वन सिक्सटी डिग्री सप्लीमेंट्री है नहीं है जो कि लेस देन वन एट्टी है या फिर नॉट इक्वल टू वन एट्टी है सो नंबर वन इज नॉट पॉसिबल इफ टू एंगल इज ऑप्टूज लेट अस चेक एक एंग एपटी मतलब 90 डिग्री से ज्यादा फॉर एन एग्जाम्पल एक है 91, एक है 92, 183 जो कि 180 नहीं है 180 से ज्यादा है सो इस केस में भी नॉट पॉसिबल एंड राइट इफ टू एंगल इज राइट मीन्स 90 डिग्री 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री तो इस केस में हो गया 180 जो कि पॉसिबल है यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट एन एंगल इज ग्रेटर देन 45। एक एंगल है जो 45 से ज्यादा है इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू और और इक्वल टू Forty-five degree or less than forty-five degree. An angle is greater than forty-five; its complementary angle. Okay? so its complementary angle. An angle is greater than forty-five. Let A and B are two angles making a complementary angle. कॉमप्लीमेंटरी एंगल ए एंड एज ग्रेटर देन फोर्टी फाइव तो दोनों को ऐड करने से सिंस सीरीज कॉम्प्लीमेंटरी तो दोनों को ऐड करने से होगा 90 अभी ए को राइट साइड में ले जाने से होगा 90 -A. B, B का वैल्यू डेफिनेटली नाइन्टी से कम होगा 90 से ए सब करने से बी होगा नाइन्टी से ए सब करने से क्या होगा बी होगा उसका मतलब है बी का वैल्यू 90 से कम होगा therefore, b will be lesser than 45. okay, so is its complementary angle greater than 45, equal to 45, or less than 45? the answer is less than 45. next question number. इन द एडजोइनिंग फिगर फिगर ये है फिगर इन द एडजॉइनिंग फिगर इस एंगल वन एडजेशन टू एंगल टू एंगल वन और एंगल टू सेम लाइन शेयर करता है तो ये ट्रू है इस एंगल ए सी टू एंगल ए सी तो ये वाला एंगल है एंड ए ओ ए पूरा है है ना तो इसका आंसर होगा नो बिकॉज एंगल है and AOE ये पूरा एंगल है तो एओ सी ए का पार्ट है ये जो छोटा है ए सी ये पूरा एओ का पार्ट है तो इसीलिए आंसर होगा नो नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री डू सी ओ अब सीओई ओ -E कहा है सी ओ ई डू सी ओ एंड ये पूरा ईओ डी फॉर्म ए लीनियर पेयर यस इन ये एक लाइन फॉर्म कर रहा है लिनियर पेयर यस नेक्स्ट आर एंगल बी ओ डी बी ओ डी मतलब एंगल फोर एंड डी ओ ए डी ओ ए सप्लीमेंट्री यस दोनों एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो ये भी होगा यस नेक्स्ट इस एंगल वन एंगल वन मतलब ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट टू फोर ये फोर का ऑपोजिट है यस ये ऑपोजिट में है तो ये होगा यस वट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ फाइव वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ फाइव अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये है फाइव फाइव का ऑपोजिट है सी ओ बी ये पूरा एंगल सी ओ बी इज दर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल फाइव ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन हो गया अभी क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन में कहा है इंडिकेट पेयर ऑफ एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल अच्छा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नाउ ये एंगल वन है और इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा एंगल फोर ओके तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल वन कॉमा एंगल फोर नेक्स्ट नेक्स्ट होगा एंगल फाइव और इसका वर्टिकल ऑपोजिट होगा टू थ्री एक साथ में एंगल फाइव कॉमा एंगल टू प्लस एंगल थ्री ये होगा वर्टिकल ऑपोजिट हो गया नेक्स्ट अभी हम लोग करेंगे लिनियर पेयर कौन सा दो एंगल है जिसको ऐड करने से एट्टी आता है वन आता है तो अभी इसको ऐड करने से 180 आएगा दैट मीन्स एंगल वन प्लस एंगल फाइव लीनियर पेयर नंबर टू एंगल वन एंगल फाइव लीनियर पेयर फिर एंगल टू एंगल थ्री एंगल फोर तीन को एड करने से लीनियर पेयर होगा तो एंगल टू एंगल थ्री एंगल फोर लीनियर पेयर फिर और होगा ये होगा एंगल फोर एंड फाइव एंगल फोर एंगल फाइव फिर ये भी होगा वन टू थ्री एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री ओके तो इसमें ये नहीं होगा बिकॉज ये पेयर नहीं है पेयर होगा ये वन एंड फाइव फोर एंड फाइव ओके तो ये होगा नहीं ये नहीं होगा बिकॉज ये दीज आर नॉट पेयर दीज थ्री इसमें तीन है पेयर नहीं होगा इसमें दो है दैट मीन्स पेयर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन इन फॉलोइंग फिगर एंगल वन एडजशन टू एंगल टू क्या एंगल वन और एंगल टू एडजेशन है इस फिगर से हम लोग देख सकते हैं ये एडजेशन नहीं है नो no. बिकॉज ये दो जो एंगल है अगर ये ऐसे होता यहाँ पे ये एंगल बनता तो ये होता एडजेशन या फिर ये एंगल ऐसे होता यहाँ पे ये एंगल बनता तो होता है एडजेशन एडजेशन क्यों नहीं है बिकॉज दे आर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन दोनों का वर्टेक्स कॉमन होना पड़ेगा बिकॉज

एक्स वाई जेड ठीक है अब फिफ्टी फाइव इक्वल टू एक्स होगा क्यों क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है ये एक लाइन हो गया ये एक लाइन हो गया इसका जो ऑपोजिट एंगल्स होता है इसको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल या फिर ये ऑपोजिट एंगल होने से इसको भी कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है तो 55 के ऑपोजिट में है एक्स दैट मीन्स एक्स का वैल्यू होगा 55 एक्स का वैल्यू होगा फिफ्टी फाइव एक्स इक्वल टू फिफ्टी फाइव डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल नेक्स्ट अभी एक्स और वाई दोनों है लीनियर पेयर अब एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन एट्टी डिग्री क्यों क्योंकि वो लिनियर पेयर है तो एक्स का वैल्यू है 55 डिग्री प्लस इक्वल टू तो 180 डिग्री तो वाई का वैल्यू होगा 180 एट्टी माइनस फिफ्टी फाइव अगर राइट साइड में चला जाएगा तो 55 हो जाएगा माइनस सब करने से आएगा 125 डिग्री अभी y और z है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो y इक्वल टू होगा z बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट है नंबर टू फोर्टी एक्स वन ट्वेंटी फाइव फोर्टी प्लस एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव तीनों को ऐड करने से होगा वन एट्टी डिग्री बिकॉज तीनों ही स्ट्रेट एंगल है तो फोर्टी प्लस ट्वेंटी फाइव सिक्सटी फाइव प्लस एक्स इक्वल टू वन एट्टी डिग्री एक्स इक्वल टू वन एट्टी प्लस सिक्सटी फाइव सब ट्रेक करने से होगा वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन ओके इसके बाद ई प्लस जेड जो कि लिनियर पेयर है वन एट्टी डिग्री लिनियर पेयर अब Z है 40 के ऑपोजिट में तो Z का वैल्यू होगा फोर्टी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फोर्टी एंड जेड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो Y इक्वल टू फोर्टी इक्वल टू वन एट्टी वाई इक्वल टू वन एट्टी माइनस फोर्टी होगा वन फोर्टी तो दे फोर

ंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देर मेजर इस सप्लीमेंट्री में दो तो एंगल का एडिशन हमेशा वन एट्टी डिग्री होता है टू एंगल फॉर्मिंग लीनियर पेयर लीनियर पेयर में वन एट्टी डिग्री होता है इफ टू एडिशन एंगल आर सप्लीमेंट्री देमे सप्लीमेंट्री में होता है वन एट्टी डिग्री या फिर लीनियर पेयर भी होगा आंसर इसका आंसर सप्लीमेंट्री भी होगा

फोर्टीन इन दिगर नीम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल ऑप्टि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंगल ए एप्टिज है एंड एडी के ऑपोजिट में बीओ सी ठीक है तो नंबर वन का आंसर है ए डी कॉमा बी ओ सी नंबर टू एडजशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एडजशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल का एडिशन 90 डिग्री तो ये एक एंगल हो गया और ये एक एंगल हो गया एंगल ई ओ डी एंगल ई ओ पी दोनों ही एडजेशन एंगल है नेक्स्ट इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल एंगल ई ओ बी एंड ई ओ डी सेम आंसर ये सेम होगा ई बी एंड ई डी नंबर फोर अनइक्वल इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल दो एंगल जो अनकवल है बट सप्लीमेंट्री है ईओ एंड ईओ सी या अनइक्वल है ई ओ ए सी एडजेशन एंगल दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर एडजेशन एंगल है जो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करता ये एंगल है एडजेशन एंगल जो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करता एंगल ए ओ ई एंगल ई ओ बी फिनिश सो दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 5.1 इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 थैंक यू